Good morning, dear students. Now we will discuss merit and demerits of public corporation. पिछली वीडियो में हमने पब्लिक कॉरपोरेशन एक पब्लिक एंटरप्राइज को डिफाइन किया, एक ऐसी कॉरपोरेशन जो क्या है, जिसको एक स्पेशल एक्ट ने बनाया है, वो पार्लियामेंट का एक्ट हो सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट भी हो सकता है. इसके थ्रू हमने एक एंटिटी क्रिएट करी, एक बिजनेस क्रिएट किया. कुछ फैक्ट्स थे, कुछ फीचर्स थे. उन फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि इसमें कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स. मेरिट्स होती हैं, इससे फायदे क्या होंगे, डीमेरिट्स होंगे, इससे नुकसान क्या होंगे. देखिए, बिजनेस में क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. जो हम पॉजिटिव बता रहे हैं उसके उल्टा हम उसके नेगेटिव पॉइंट भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो है पॉसिबिलिटी रहती है इन नेगेटिविटी को परफॉर्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है इनकी लिमिटेशंस की. चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. सबसे पहला फायदा, सबसे पहला जो है फायदा हो रहा है, मेरिट है, वो है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन. हमने फीचर में पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है. ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो अपना बिजनेस खुद से चला रहे, देर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही. जब सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती तो पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली अच्छे से चला सकते हैं. तो फायदा हो गया पब्लिक कॉर्पोरेशन को, क्योंकि इनके पास क्या है, ऑटोनॉमी है इन ऑपरेशन. इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, तो इनको बेनिफिट हो रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन. स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट पर हम आएंगे जिसका नाम है क्विक डिसीजन. दूसरा फायदा, ये बिजनेस क्विक डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं, इन बिजनेसेस में रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट नहीं होती, नौकरशाही नहीं चल रही, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट नहीं. ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट में क्या होते हैं, अननेसेसरी रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, अपना मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद चलाते हैं. दे कैन टेक क्विकली डिसीजन, जैसे उनको जरूरत लगती है वो डिसीजन ले सकते हैं. तो फायदा हो रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन को, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रेड टैपिज्म नहीं है, क्यों कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो इसकी वजह से इन बिजनेसेस के डिसीजन क्या है, क्विक होंगे. तो ये इसकी मेरिट है. एक और पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट. एफिशिएंट क्या होती है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अच्छा बता रहे, लेस कॉस्ट पर और कम टाइम के ऊपर काम को परफॉर्म करते हैं, बोल देते हैं एफिशिएंट है वो. मैनेजमेंट कब एफिशिएंट होंगे, जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स होंगे, ऐसी मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट. जिनको मैनेजमेंट संभालनी आती है, उनको पता है कि मैनेजमेंट कैसे संभाली जाती है, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं. अब मैनेजमेंट को चला कौन रहा है, सबसे पहले तो बात ही आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको इलेक्ट किया है, जिनको चुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को गवर्नमेंट ने. और गवर्नमेंट ने जो मेंबर चूज किए हैं वो कैसे हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेन्ड पर्सन है, जिनको प्रोफेशनल मैनेजर्स भी बोल सकते हो, प्रोफेशनल ट्रेन्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, जिनको चूज किसने किया है, गवर्नमेंट. इसका मतलब जो चलाने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन वो किस नेचर के हैं, ट्रेन्ड नेचर के, प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन है, जिसकी वजह से जो इनकी मैनेजमेंट होगी वो भी क्या होगी, एफिशिएंट होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं सोशल मोटिव. इन बिजनेसेस से क्या फायदा हो रहा है, एक और फायदा बात करें, इनका जो पर्पस है, इनका जो एम है, इनका जो मोटिव है, उद्देश्य है बिजनेस करने का, वो क्या है, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सर्विस या प्रोवाइड वेलफेयर एट रीजनेबल रेट, रीजनेबल प्राइस के ऊपर. जब पब्लिक कॉर्पोरेशन ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे रही है तो लोगों को फायदा हो रहा है, पैसा कम देना पड़ रहा है और सर्विसेज ज्यादा मिल रही है, तो इससे भी फायदा हो रहा है कि सोशल मोटिव है, सोशल वेलफेयर मोटिव है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर पब्लिक कॉर्पोरेशन लोगों को सर्विसेज देती है, तो एक बेनिफिट और प्रोवाइड करा दिया पब्लिक कॉर्पोरेशन ने. नेक्स्ट जो है पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक का जो पैसा है वो सेफ रहे, गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा,
गवर्नमेंट ने मनी कहां से अर्न करी है? थ्रू टैक्स, टैक्स के थ्रू करी है। और टैक्स किसने पे किया? पब्लिक ने पे किया। अब पब्लिक का इंटरेस्ट क्या रहेगा कि उसके पैसे को जो इन्वेस्ट किया गया उसे मिसयूटिलाइजेशन ना करे? क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन में कोई मिसयूटिलाइजेशन नहीं होता पब्लिक इंटरेस्ट का? तो ऑब्वियस आंसर है नो, क्योंकि बहुत टेक केयर में और बहुत ध्यान से जो है पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। बिकॉज जो मैनेजमेंट है आर आंसरेबल, किसके लिए आंसरेबल है? पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट इनसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, इनको आंसरेबल बना सकती है, क्वेश्चन रेज कर सकती है कि आपने पैसा जो है पब्लिक का कहां पर खर्च किया और कैसे खर्च किया। इस वजह से ये हमेशा क्या करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अपने पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो थे इसके मैरिट्स, फायदे बता रहे थे हम पब्लिक कॉर्पोरेशन जो बिजनेस है गवर्नमेंट का उसके क्या क्या फायदे हैं एक बार क्विकली हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑपरेशंस हैं उसमें ऑटोनॉमी रहेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, डिसीजन जो है बहुत जल्दी क्विकली एज पर नीड लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह कि अभी डिसीजन चाहिए लेकिन मिनिस्ट्री किसे आप अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या मैनेजर्स एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ट्रेन मैनेजर्स को अपॉइंट किया एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जो उनको मेंबर बनाया, जिसकी वजह से उनकी मैनेजमेंट क्या होगी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट होगी। मोटिव क्या रहता है इनकॉर्पोरेशन का? सोशल मोटिव रहता है, लोगों को वेलफेयर देना प्रायोरिटी रहती है एट रीजनेबल प्राइस, ये भी फायदा है इसका। और पब्लिक इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक के पैसे को मिस यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल रहते हैं, इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाते। ये तो सारे स्टूडेंट्स फायदे थे, क्या इसके कोई नुकसान भी है? यस, जहां मेरिट्स की बात करेंगे वहां पर हम लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिमिटेशन से या डीमेरिट से। लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो एक पब्लिक एंटरप्राइजर्स के क्या नुकसान हो रहे हैं, लिमिटेशंस हो रही है। वेरी फर्स्ट इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इन कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल स्टूडेंट्स, अभी तो ये डिस्कशन हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ये मैंने मैरिट बात करी, क्या आपको ये लग रहा है कि मैम गलत पढ़ा रहे? नहीं, देखिए थ्योरेटिकल इट इज पॉसिबल, सरकार का बिजनेस में सरकार की जो है इंटरफेरेंस ना हो, थ्योरेटिकल इट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल अगर लाइफ में देखें, जिसका बिजनेस है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। तो हम यहां बता रहे हैं इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अपने ऑपरेशंस को खुद से चलाना। हाँ, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, एक लिमिट दे दी जाए, एक एक्ट में एक लिमिट, जो मैंने स्टार्टिंग में फैक्ट बताया था, एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है, इतने लिमिट के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े डिसीजन लेने हैं तब आप किसकी जो है परमिशन लेंगे? गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। डे टू डे तो एक्टिविटीज चला रहे हैं बट इसकी जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है वो इनकम्प्लीट है। थ्योरेटिकल इट इज पॉसिबल कि आप अपना बिजनेस खुद चला ले, लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आरबीआई का आप एग्जांपल ले रहे थे, आरबीआई अपने डिसीजन डे टू डे खुद लेता है, कब उसको जो इंटरेस्ट रेट कम करनी है, कब इंटरेस्ट रेट ज्यादा, गवर्नमेंट से पूछने नहीं जाता वो मार्केट का जो है स्ट्रक्चर देखता है, मार्केट में किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। लेकिन अगर डीमोनेटाइजेशन करना था, करेंसी को बंद करना था, क्या विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तब क्या होगा? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगी। तो एक सिस्टम है जहां थ्योरी में लिख दिया जाता है कि ऑटोनॉमी है, बट एक्चुअली में बड़े डिसीजन लेते टाइम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, आई होप आपको यह समझ आया होगा। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग,
जो पब्लिक कॉर्पोरेशन लेस मोटिवेटेड कॉर्पोरेशन क्यों है? क्योंकि ये जो बिजनेसेस हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, ये किसके लिए काम करते हैं? सर्विस मोटिव के लिए। और स्टूडेंट्स, जब भी सर्विस मोटिव के लिए काम किया जाता है तो पर्सन क्या करते हैं, भाई प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं है, सेवाएं देते चलो रीजनेबल रेट के ऊपर। क्या कोई पर्सन अपने बिजनेस में सेल्फ इंटरेस्टेड होगा? नो, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं कर रहा, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक बिजनेस जो है गवर्नमेंट का बिजनेस है, जिसके जो है कोई भी जो है सब्सिट्यूट्स नहीं है, कम सब्सिट्यूट्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन है, जिसकी वजह से यहाँ के जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं, कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, दे फील केयरलेस, वो केयरलेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से, जिसकी वजह से इन पब्लिक कॉरपोरेशन को जनरली नुकसान फेस करना पड़ता है, लॉस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिट अर्न करना मोटिव ना होने की वजह से जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, और केयरलेस होने की वजह से जनरली इन जो है एंटरप्राइजेस को, पब्लिक कॉर्पोरेशन को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, या सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होते अपने बिजनेस में। चलिए नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। अभी तो हमने मैरिट में बात करी थी, ये क्या काम करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। क्या आज के टाइम में भी करप्शन नहीं है? यस, प्राइवेट में ही है तो ये तो पब्लिक एंटरप्राइज है। यहाँ पर जो सर्विस मोटिव बनाया गया उसको जो है करप्ट पर्सन वो सर्विस मोटिव को परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने ओन बेनिफिट के लिए काम करेंगे, ना कि सर्विस मोटिव के लिए काम करेंगे। जैसे जिनके पास पावर होती है वो अपने पावर को मिसयूज करते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अपनी पावर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, ना कि सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर पावर्स किसके लिए यूज कर रहे हैं? अपने ओन बेनिफिट्स के लिए, ना कि लोगों को बेनिफिट देने के लिए। तो एक लिमिटेशन है, अभी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद को फायदा दे रहे हैं, ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, ना कि सर्विसेज बढ़ाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। कॉम्पिटिशन नहीं है, क्यों कॉम्पिटिशन नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन फीलिंग नहीं है, और कॉम्पिटिशन फीलिंग ना होने की वजह से जनरली इन एंटरप्राइजेस को लॉस होता रहता है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी सिर्फ थ्योरी में है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, रेगुलरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा ही होगा। तो ये कुछ नुकसान है, फायदे भी देखे कुछ नुकसान भी देखे। बट एक छोटा सा टॉपिक है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन सरकार को क्या यूटिलिटी या लोगों के लिए कब जो है यूटिलिटी क्रिएट करती है, किन सिचुएशंस में ये प्रॉफिटेबल होंगी, यूजफुल होंगी, इनको कब बनाया जाए, इनको कौन से बिजनेसेस जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंडर रखे जाए। तो पहला आता है जहां जिन बिजनेसेस में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पर आप पब्लिक कॉर्पोरेशन बिजनेस सरकार बना दे। जब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो प्राइवेट वाले तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, और वो बिजनेस क्या है, सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है, तो उस किसको जो है चलाना चाहिए, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को वहां पर उन बिजनेसेस में पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए जहां पर बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे RBI एक अपेक्स बैंक है, वहां पर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट है, दैट्स व्हाई वो क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट आता है जहां पर टॉप प्रायोरिटी पब्लिक वेलफेयर हो, प्रॉफिट मोटिव ना हो, वहां पर सरकार को क्या देखना चाहिए, सिचुएशन देखनी चाहिए, तब पब्लिक कॉर्पोरेशन को जो है क्रिएट करना चाहिए। कौन सी सिचुएशन में पब्लिक कॉर्पोरेशन बनेंगी? जहां पर बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर्ड हो, दो सिचुएशंस जो है यूटिलिटी जनरेट करेंगी। टू सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, जहां पर ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगी। सबसे ज्यादा जब हमें बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है तो सरकार को क्या कर देना चाहिए, उस बिजनेस में को पब्लिक कॉर्पोरेशन बना देना चाहिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन बिजनेस वहां पे उस सिचुएशन में ओपन कर देना चाहिए। सेकंड है जहां पे प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं हम किसको, जो है सर्विस मोटिव को।
इन दोनों सिचुएशन में पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है बेस्ट ऑप्शन रहेगा, किसके केस के अंदर, जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी और सर्विस मोटिव होगा, तो उस केस में सरकार को कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है डिस्कस किया मैरिट एंड डीमेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, कौन से सिचुएशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, जहां पे बहुत सारा पैसा लगा हो, लगाने की नीड हो, ऐसे सिचुएशन में पब्लिक कॉर्पोरेशन बेस्ट रहेंगी, जहां पर सर्विस मोटिव हो वहां पर पब्लिक कॉर्पोरेशन बेस्ट रहेंगी। थैंक यू सो मच।